UGC Data Educator from SLP classes. Today we are going to start a new topic, Pie Chart in Data Interpretation DI, General Paper 1 for NTA UGC NET JRF. But before starting this, I wanted to say something about my YouTube channel SLP classes. If you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe. And for subscription, hit the bell icon and then you will get the notification related to my latest video. And lastly, follow me on Instagram. Now guys, come to the topic. पाई चार्ट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पाई चार्ट. तो देखते हैं पाई चार्ट क्या होता है. पाई चार्ट इज अ सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स इन विच आर्क लेंथ इट्स सेंट्रल एंगल एंड एरिया आर प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटीज इट रिप्रेजेंट्स. फॉर एग्जांपल द फ्लोइंग चार्ट गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट जियोग्राफिकल जोन्स ऑफ द कंट्री. ओके, सो यहाँ पर देखते हैं पाई चार्ट एक सर्कुलर चार्ट है. ओके, यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में एक सर्कुलर चार्ट टाइप का गिवन है जो क्या होता है डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स. ये एक एक सेक्टर्स में डिवाइड है देख सकते हैं. विच इन विच आर्क लेंथ इज सेंट्रल एंगल एंड एरिया आर प्रोपोर्शनल. ओके, यहाँ पर ये जो आर्क की लेंथ है यहाँ पर. ओके, और इसका जो एंगल गिवन है ये और इसका पूरा एरिया जो होगा वो प्रोपोर्शनल होता है टू द क्वांटिटीज इट रिप्रेजेंट. जो भी क्वांटिटीज वो रिप्रेजेंट करता है उसके क्या होता है ये प्रोपोर्शनल होता है. ओके, यहाँ पर देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द फ्लोइंग चार्ट गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिकल जोन्स ऑफ द कंट्री. यहाँ पर पाई चार्ट में क्या बता रहा है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल जोन्स बता रहा है ऑफ द कंट्री का. ओके, क्या क्या है ज्योग्राफिकल जोन्स देखते हैं. ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ. ओके, अब क्या है, इन ईच क्वेश्चन ऑफ पाई चार्ट द टोटल क्वांटिटी ओवर अ टोटल एंगल ऑफ 360 और 100 डिग्री. क्या होता है किस होते हैं उसमें हर में क्या होता है द टोटल क्वांटिटी, जितने भी क्वांटिटी होती है में वो क्या होती है किसके बराबर होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ टोटल एंगल ऑफ 360 और 100 डिग्री. ये सर्कल है मान लीजिए, अगर इसका पूरा करेंगे तो ये 360 बन सकता है या तो ये 100 डिग्री बन सकता है. ओके, यहाँ पर यही बता रहा है, इन ईच क्वेश्चन ऑफ पाई चार्ट द टोटल क्वांटिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ टोटल एंगल ऑफ 360 और 100 डिग्री. इन सबको अगर ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 100%. ओके, तो वही सेम चीज है कि या तो 360 बनाएगा या तो 100 डिग्री बनाएगा. ये सबका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उन सबको मतलब एड करेंगे तो ये आ जाएगा. आफ्टर दैट पाई चार्ट आर ऑल्सो यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू द टोटल क्वांटिटी. ओके, यहाँ पर क्या बता रहा है कि पाई चार्ट ऑल्सो यूजफुल है, मतलब एक तरीके से और यूजफुल कैसे है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपोर्शन को भी और परसेंटेज को भी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स. जो यहाँ पर एलिमेंट्स गिवन है उसके प्रोपोर्शन को भी बताता है, रिप्रेजेंट करता है और उसके परसेंटेज को भी रिप्रेजेंट करता है. इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 18%, 22%, 12%, 23%, 25% ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो ये पॉइंट इसके लिए है, परसेंटेज ऑफ द वेरियस एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू द टोटल क्वांटिटी. यहाँ पर जो भी टोटल क्वांटिटी है इसको ऐड करेंगे तो 100% आ जाएगा, उसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, नाउ गाइस कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन वन, स्टडी द फ्लोइंग पाई चार्ट केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. ओके, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स हु टीच सिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट. ओके, यहाँ पर परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है किसका, सिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट का. फर्स्ट बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. यहाँ पर छह सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया जा रहा है. ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ 2/9 ऑफ द टीचर्स हु टीच फिजिक्स आर फीमेल देन द नंबर ऑफ मेल फिजिक्स टीचर्स इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच केमिस्ट्री. यहाँ पर बोल रहा है कि यदि 2/9 ऑफ द टीचर, मतलब पूरे टीचर्स में से 2/9 जितने हैं वो फीमेल फिजिक्स टीचर हो जाएंगे देन द नंबर ऑफ मेल फिजिक्स टीचर्स, तो मेल फिजिक्स टीचर कितने परसेंट अप्रोक्सीमेटली केमिस्ट्री टीचर के आएंगे. ओके, वो बताना है. ठीक है, नाउ गाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन सी हियर पाई चार्ट, बायोलॉजी 12%, हिंदी 8%, इंग्लिश 27%, मैथमेटिक्स 13%, फिजिक्स 17% एंड केमिस्ट्री 23%. ओके,
एंड टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इज इक्वल टू 1800। ओके, सो क्या फाइंड आउट करना है, पहले फिजिक्स कितने लोग पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 17% गिवन है, लेकिन नंबर निकालते हैं कि कितने टीचर्स हैं। ओके, सो नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर इक्वल टू टोटल कितने हैं टीचर्स, 1800 मल्टीप्लाई बाई 17% है, तो परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, 20 20 कर दिया, 18 × 17 करेंगे तो आ जाएगा 306। ओके, ये तो टोटल हो गए, मींस इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, तो इसमें से क्वेश्चन में क्या बोला था कि 29 है फीमेल टीचर। ओके, सो 29 फीमेल टीचर फीमेल फिजिक्स टीचर इज इक्वल टू टोटल कितने हैं, 306 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2/9 करेंगे। ओके, सो आ जाएगा 68। अब क्या करना है, इसके बाद मेल टीचर निकालते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर पता चल गया जो कि टोटल है, टोटल में से अगर फीमेल टीचर फीमेल फिजिक्स टीचर को माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, मेल टीचर हम लोगों को पता चल जाएगा। ओके, सो मेल फिजिक्स टीचर इक्वल टू टोटल 306 माइनस 68 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 238। नाउ गाइज, अब चेक करते हैं कि केमिस्ट्री टीचर कितने हैं। सो नंबर ऑफ केमिस्ट्री टीचर इक्वल टू 23% है, सो 1800 मल्टीप्लाई बाई 23/100 414 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, क्वेश्चन में बोल रहा था कि मेल टीचर जितने हैं, मेल फिजिक्स टीचर वो कितने परसेंट है केमिस्ट्री टीचर के, सो परसेंटेज निकालना है, रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर मेल टीचर का कितना आ रहा था, 238 डिवाइडेड बाई 414 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे सो आ जाएगा, इसको करने के बाद 57% अप्रोक्स इसके नियर बाई आएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली ये आंसर है। नाउ गाइस, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग केमिस्ट्री इंग्लिश एंड बायोलॉजी। ओके, सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं केमिस्ट्री इंग्लिश एंड बायोलॉजी के, पाई चार्ट में क्या गिवन है, केमिस्ट्री इंग्लिश एंड बायोलॉजी के परसेंट गिवन है, नंबर नहीं गिवन है, तो उसी की हेल्प से हम लोग नंबर फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो राइट हियर टोटल नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग केमिस्ट्री इंग्लिश एंड बायोलॉजी इक्वल टू टोटल कितने टीचर्स है, 1800 मल्टीप्लाई करेंगे केमिस्ट्री इंग्लिश के सारे परसेंटेज लिखेंगे, पहले क्या है केमिस्ट्री, सो 23% प्लस इंग्लिश के कितना है, 27% प्लस बायोलॉजी के कितने हैं, 12%, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये परसेंटेज तो पूरा हो जाएगा क्लियर, ये 20 20 कर लिया, 18 × क्या करेंगे, 9 9 3 12 1 करिए 2 3 4 5 6 62, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 1 1 6। ओके, सो ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग केमिस्ट्री इंग्लिश एंड बायोलॉजी आर 1116 टीचर्स। ओके, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नाउ गाइस, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू, वेरियस एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय अ पब्लिशिंग कंपनी फॉर पब्लिशिंग अ बुक इन 2011 आर गिवन बिलो, स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पर एक पाई चार्ट गिवन है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पब्लिशिंग अ बुक, अगर एक बुक पब्लिश करने में कितने कॉस्ट लगते हैं, कितने एक्सपेंडिचर लगते हैं, वो इसमें बताया जा रहा है। ओके,
सो रॉयल्टी 15%, प्रिंटिंग कॉस्ट 20%, पेपर कॉस्ट 15%, बाइंडिंग 30%, प्रमोशन 10% एंड ट्रांसपोर्टेशन 10%। ओके, एक बुक छापने में, एक बुक बनाने में कितना लग जाता है, यहाँ पर पूरा गिवन है। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ अ बुक इज 20% अबव कॉस्ट प्राइस। ओके, जो कॉस्ट प्राइस है बुक का उसका 20% वो ज्यादा है क्या, प्राइस ऑफ अ बुक, जो प्राइस है बुक का वो 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस के। ओके, इफ द मार्क्ड प्राइस इज रुपीज 180 देन द कॉस्ट ऑफ पेपर फॉर अ सिंगल कॉपी। ओके, हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ अ पेपर फॉर अ सिंगल कॉपी इन रुपीज। ओके, यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, कोई एक ऑप्शन जो है राइट है, यहाँ पर मार्क्ड प्राइस भी गिवन है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सीपी इज इक्वल टू क्या करेंगे, एमपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ओके, यह फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर 20% क्या है, अबव है, यानी ज्यादा हो रहा है, तो ये तो प्रॉफिट परसेंट हुआ ना, तो 20% एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 180 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 120। ओके, सो 6900 3 4 5 0 1 1 5 0। ओके, सो कितना आ गया, सीपी स्क्वायर टू 150। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे निकालना क्या है, इफ द मार्क प्राइस रुपीज 180 देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेपर फॉर अ सिंगल कॉपी। यहाँ पर पेपर कॉस्ट कितना है, 15% है, सो 150 का 15% निकालेंगे, पेपर कॉस्ट फॉर सिंगल कॉपी इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100। ओके, ये कर देंगे तो 15 × 15 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं, 15 यहाँ पर करते हैं, 15 × 1.5 करेंगे तो आ जाएगा 225 और ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ओके, ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी में आ रहा है ऐसा 22.50। ओके, इसका प्रोसेस यहाँ पर किया मैंने, तो कितना आ गया, पेपर कॉस्ट फॉर सिंगल कॉपी इज रुपीज 22.50। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू, रॉयल्टी ऑफ अ बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाई हाउ मेनी परसेंट। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं रॉयल्टी कितना है 15% एंड प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है 20%। ओके, सो रॉयल्टी कितना परसेंट कम है प्रिंटिंग कॉस्ट के, कितना लेस है। ओके, ये फाइंड आउट करना है, सो यहाँ पर डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। ओके, सो डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, सो प्रिंटिंग कॉस्ट यहां पर लिख सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू को, प्रिंटिंग कॉस्ट माइनस रॉयल्टी डिवाइडेड बाई प्रिंटिंग कॉस्ट। ओके, मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, यहाँ पर रॉयल्टी बोल रहा है, रॉयल्टी ऑफ अ बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट, तो प्रिंटिंग कॉस्ट को ओरिजिनल वैल्यू मान लेंगे और रॉयल्टी ऑफ अ बुक को न्यू वैल्यू मान लेंगे। ओके, सो प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है, 20% माइनस 50 डिवाइडेड बाई 20 × 100। ओके, सो 5/20 × 100 5 × 5 = 25, सो 25 ऑप्शन में देखते हैं क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इट मीन्स 25% है कितना, रॉयल्टी ऑफ अ बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय 25%। ओके,